माइनस पी स्क्वायर फ्रॉम द सम फिर से सम किसका टू एम प्लस फोर एन माइनस थ्री पी स्क्वायर एंड माइनस एम माइनस एन माइनस पी स्क्वायर का सम राइट फ्रेंड्स हम एक बार और क्वेश्चन कंसर्ट करते हैं हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम इन दोनों में से तो हमें पता है सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाली डिजिट्स आती हैं दैट इज टू एम प्लस फोर एन माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस माइनस एम माइनस एन माइनस पी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से एट एम माइनस सेवन एन प्लस सिक्स पी स्क्वायर प्लस माइनस थ्री एम माइनस फोर एन माइनस पी स्क्वायर में से राइट right, फ्रेंड्स ब्रैकेट खोलती हूँ अब मैं आया टू एम प्लस फोर एन माइनस थ्री पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम माइनस एन माइनस पी स्क्वा माइनस एट एम माइनस सेवन एन प्लस सिक्स पी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस थ्री एम माइनस फोर एन माइनस पी स्क्वायर आप ब्रैकेट खोलते हैं 2m एम प्लस फोर एन माइनस थ्री पी स्क्वायर माइनस एम माइनस एन माइनस पी स्क्वायर बाहर ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा राइट फ्रेंड्स प्लस थ्री एम प्लस फोर एन प्लस पी स्क्वायर अब m वाली टर्म्स एक सेट टू एम माइनस एम माइनस एट एम प्लस थ्री एम एन वाली टर्म्स फोर एन माइनस एन प्लस सेवन एन प्लस फोर एन पी वाली टर्म्स पी स्क्वायर वाली टर्म्स माइनस थ्री पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइन माइनस सिक्स पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, राइट फ्रेंड्स आप प्लस वाली टर्म्स एक साथ ले लेते हैं टू प्लस थ्री फाइव एम माइनस नाइन एम ये कितना हो गया सेवन वो सॉरी फोर प्लस सेवन इज फोर प्लस सेवन इज इलेवन प्लस फोर इज फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन एन माइनस एन माइनस 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 तो नाइन एंड टेन माइनस टेन पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर राइट फ्रेंड्स तो कितना आ गया ऑपोजिट साइन है आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बड़े वाले का साइन लग जाएगा 4m एम प्लस फोर्टीन एंड माइनस नाइन पी स्क्वायर इज द आंसर लेट्स टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑफ एक्सरसाइज सिक्स ए दैट इज एलजेपरिक एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ किस किस का सम एट ए माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन करना है हमें सम माइनस टेन ए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिखेंगे प्लस एट ए स्क्वायर को फ्रॉम माइनस थ्री तो फ्रॉम जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो फ्रॉम के बाद वाली डिजिट हम सबसे पहले लिखते हैं फिर माइनस का साइन लगाते हैं और फिर जिसमें से माइनस करना होता है वो लिखते हैं तो इन दोनों का सम था वो दैट इज एट ए माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन प्लस माइनस टेन ए माइनस एट प्लस एट ए स्क्वायर राइट फ्रेंड्स ब्रैकेट खोल रही हूँ अंदर वाला या एट ए माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस नाइन प्लस माइनस माइनस टेन ए माइनस एट प्लस एट ए स्क्वायर राइट फ्रेंड्स अब देखिए माइनस थ्री अभी ब्रैकेट नहीं खोल रही हूँ अंदर ही सॉल्व कर रही हूँ एट माइनस सिक्स ए स्क्वायर एंड प्लस का एट ए स्क्वायर प्लस का एट ए माइनस टेन ए प्लस का नाइन माइनस का एट राइट right फ्रेंड्स तो ये आ गया माइनस थ्री माइनस ऑपोजिट साइन है आपस में सब हो जाएंगे बड़े वाले का साइन लग जाएगा ऑपोजिट साइन है बड़े वाले का साइन लगेगा आपस में सब हो जाएंगे फिर से ऑपोजिट साइन है बड़े वाले का साइन लगेगा आपस में सब हो जाएंगे अब ब्रैकेट खोलते हैं अंदर के बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे प्लस का माइनस एंड माइनस का प्लस हो जाएगा राइट फ्रेंड्स अब देखिए माइनस टू ए स्क्वायर कोई नहीं है और ए स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज लिख दी प्लस टू ए और कोई नहीं है एज इट इज माइनस का है ये भी माइनस का है तो आपस में साइन सेम बड़े वाले का लगेगा और आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों का सेम साइन इज द आंसर थैंक यू इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू